दोस्तों ये है सैमसंग का गैलेक्सी F15 और बजट डिवाइस होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा अच्छा फीचर्स यहाँ पर आपको मिलेगा। तो क्या कुछ फीचर्स है, कैसे आपको इसको यूज़ करना है, देखिए यहाँ पर क्विकली मैं इसे शो करता हूँ कि ये कहाँ से आ गया, राइट। इसको आप कैसे ला सकते हैं, बेसिकली क्विक शॉर्टकट आइकॉन्स है, यहाँ से मैं इंस्टेंटली कोई भी ऐप चाहिए तो यहाँ से खोल सकता हूँ। ऐसे ही देखे YouTube भी ओपन हो जाएगा, वैसे ही अगर मैं कॉल करना चाहता हूँ इंस्टेंटली स्विच कर सकता हूँ ऐप को। ये सारा चीज डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ढेर सारे फीचर्स रिलेटेड भी वीडियोस बनाए हूँ तो देख सकते हैं। देखिए शॉर्टकट्स है, बेहतर ऐप आ रहा है, यहाँ पर रूलर है, रूलर से हम सरफेस लेवल मतलब सरफेस लेवल कितना है ये भी चेक कर सकते हैं। सैमसंग ने यहाँ पर वन UI यूजर इंटरफेस में दिया है, बहुत ही अच्छा मुझे लगा, ये आपको दूसरे फोन्स में देखने को नहीं मिलता है। वैसे ही टॉर्च का इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस कितना ब्राइट टॉर्च आपको चाहिए, देखिए लाइट वो भी आप इंटेंसिटी इसका एडजस्ट कर सकते हैं। SOS है मतलब ब्लिंक होगा, देखिए कितना अच्छा वर्क कर रहा है, तो वो सारा चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। टॉर्च यहाँ से इंस्टेंटली ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, वैसे ही कंपास है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपको ऑब्वियसली कहाँ पर जाना है, सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एज पैनल्स करके है, तो एज पैनल्स पर टैप करना है, बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगा। अभी ऑन करने से इंस्टेंटली यहाँ पर एक पट्टी जैसा दिखेगा मार्क, राइट। तो ये क्या है, यहाँ पर पैनल्स है, पैनल्स पर टैप करेंगे तो आपको कौन सा शॉर्टकट यहाँ पर चाहिए पैनल्स, तो वो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलता है आपको, अगर आप पीपल यूज कर रहे हैं तो इंस्टेंटली कॉल करने के लिए किस किस का आपको नंबर चाहिए वहाँ पर डाल सकते हैं, तो इंस्टेंटली जाकर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वैसे रिमाइंडर्स है, क्लिपबोर्ड है, ऐसे मैंने यहाँ पर देख सकते हैं ऐप्स स्मार्ट सेलेक्ट टास्क और टूल्स को यूज किया है। और ऐप्स में जाकर एडिट करेंगे तो कौन सा ऐप्स शॉर्टकट्स चाहिए वो हम यहां से ऐड और माइनस कर सकते हैं। लेट्स से कि क्लॉक मुझे चाहिए वो डाल सकता हूं, कॉन्टैक्ट्स लगा सकता हूं, कैमरा लगा सकता हूं, यहां पर सारे ऐप्स आप कोई भी रेगुलरली यूज करते हैं वो सारा चीज यहां पर डाल सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट बैक लेना है एक बार, वैसे स्मार्ट सेलेक्ट है, टास्क है, ये सारा चीज करने के बाद बैक लेंगे। और हैंडल यहां पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे आपको ये हैंडल है ना ये कैसे दिख रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी इसका सेट कर सकते हैं, देखे लाइट ट्रांसपेरेंट हिडन जैसा रख सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं, कलर भी कस्टमाइज कर सकते हैं, विड्थ है इसका थिन और थिक वो भी आप चेंज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो कभी भी आप यूज कर रहे हैं मोबाइल तो ऐसे छूने से यहाँ पर वाइब्रेट भी होगा ताकि पता चलेगा आपको आपने यहाँ पर टच किया है। तो पोजिशन राइट एंड लेफ्ट ये भी है, यहाँ वहाँ रख सकते हैं आप, तो एक बार इसको सेट करना है बस। सेट करने के बाद आप मोबाइल में कहीं पर भी हो, कुछ भी कर रहे हो मोबाइल में, तो लेट से मैं गैलरी ऐसे देख रहा हूँ, इंस्टेंटली मुझे क्रोम ब्राउजर ओपन करना है तो यहाँ से झट से वो ऐप को मैं ओपन कर सकता हूँ, इससे बढ़िया क्या है बताइए मुझे। तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा, यहाँ से इंस्टेंटली यूट्यूब को ला सकता हूँ, यहाँ से इंस्टेंटली कैमरा को ओपन कर सकता हूँ, राइट। ये सारा चीज़ जो है वो आप यहां से इंस्टेंटली इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था एज पैनल मैं आपको यहां पर दिखाने वाला था। तो सेकंड वन है नोटिफिकेशन रिलेटेड, ये भी थोड़ा कस्टमाइजेशन अच्छा दिया है, देखिए नोटिफिकेशन पर हम जाएंगे, कहां है नोटिफिकेशन, यहां पर है, तो यहां से एडवांस्ड सेटिंग, तो यहां पर आपको मिलेगा फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, एक तो आपको बबल्स में रखना है मतलब यहां पर बबल्स दिखेगा, ऐसे टैप करने से उसका डिटेल भी यहां पर पढ़ने के लिए इंस्टेंटली मिलेगा, वो एक चीज है। एंड बैक लेने से नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल करके ब्रीफ लगाना है आपको, यहां पर ऐप्स कौन से नोटिफिकेशन आपको आना है ऐप से वो भी हाइड या ऑन करके रख सकते हैं। यहाँ पर एज लाइटिंग स्टाइल दिया है, ये भी लाइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा, देखिए मैसेज आते ही अगर आप कहीं मोबाइल रखे हैं आप भूल गए हैं मैसेज आ रहा है तो इंस्टेंटली आपको नोटिफाई होगा ऐसे, तो आंख जो है सडनली उस पर जाएगा कि कुछ मैसेज आया है। तो ये कलर भी आप सेट कर सकते हैं एडवांस में जाकर, ट्रांसपेरेंसी कितना चाहिए, ड्यूरेशन लॉन्ग या शॉर्ट वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, हार्ट है, स्पॉटलाइट है, ढेर सारे चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क होता है। तो इसको आप ज़रूर कस्टमाइज़ करके, एक ही बार कस्टमाइज़ करना है सारा चीज़ और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल फीचर्स मैं समझता हूँ। और ऐसे ही नीचे जाते ही थोड़ा आपको यहाँ पर एडवांस्ड फीचर्स मिलेगा, साइड बटन करके है, तो साइड बटन टैप करने से ये डबल प्रेस है बटन जो है, डबल प्रेस करने से क्या आना चाहिए वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैंने गैलरी रखा है तो गैलरी ओपन हो गया, तो वैसे ही क्विक लॉन्च कैमरा है, सैमसंग वैलेट एक्सेस है, ओपन ऐप करके जाके सेटिंग्स में जाके आपको कोई भी ऐप हो क्विकली ओपन करना चाहते हैं डबल टैप करने से बटन को, तो वो आप यहां से सेट कर सकते हैं। लेट्स से फ़ोन रखा हूं, तो अभी मैं डबल प्रेस करूंगा ऐसे बटन को, इंस्टेंटली फ़ोन का ओपन हो गया, राइट। ये कस्टमाइजेशन है साइड बटन का, तो इसको आप ऑन करके
ज़रूर कीजिएगा। वैसे ही यहाँ पर मल्टी विंडो है, ये स्प्लिट स्क्रीन जो हम कहते हैं, स्वाइप फॉर ऐसे नीचे से ट्वाइस ऐसे स्वाइप करेंगे तो इंस्टेंटली स्प्लिट स्क्रीन मोड ओपन हो जाएगा, जैसे अभी आपने यहाँ देखा। तो ये अलग है, यहाँ से गैलरी में देख सकता हूँ, ऊपर जो है वो दूसरा चीज़ कर सकता हूँ। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, टैप करके इंटू करेंगे तो आपको जो है वो सिंगल ऐप ओपन हो जाएगा। वैसे आप इस चीज़ को कस्टमाइज़ कीजिएगा, ये मिलता है आपको मल्टी विंडो में जो कि एडवांस्ड फीचर्स में है। वैसे ही 100 मोड भी बहुत ही अच्छा है, बेसिकली डबल प्रेस होम बटन। तो 100 मोड ये जो है मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो नीचे लेंगे थोड़ा इसका साइज़ कम करके हम नीचे लेंगे तो इंस्टेंटली मैं एक ही हाथ से पूरा फ़ोन जो है वो इसको यूज़ कर सकता हूँ, इसीलिए 100 मोड इन्होंने ऐसे बोला है। तो 100 मोड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए ऐसे डबल टैप कीजिए फिर आपको फुल स्क्रीन हो गया। डबल टैप कीजिए इंस्टेंटली, आप कुछ काम कर रहे हैं, हाथ आपका अच्छा नहीं है यूज़ करने के लिए सारा हाथ, तो सिर्फ और सिर्फ थंब से आप फुल मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। ये मैं बहुत ही अच्छा यूज़फुल फीचर समझता हूँ, ये बहुत ही सालों से है, लेकिन अगर आपने यूज़ नहीं किया है, सेट नहीं किया है, तो अभी से आप इसको कर सकते हैं। तो ढेर सारे और भी फीचर्स है, ढेर सारे वीडियोज़ भी बना रहा हूँ, तो बने रहिए इस चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसे लगा वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। Oh, 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 oh,